अचानक ये आउटस्टेशन वाला प्लान कैसे हो गया तुम्हारा? माया, जैसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, मेरे सारे प्रोग्राम वैसे ही बनते हैं। What? Pregnancy? Sir, ma'am, she's lying. And who said I'm pregnant? मतलब तुमने मुझसे उस वक्त झूठ कहा था? It was all planned. आज रात को मिल ही लेते हैं, ठीक 12 बजे at your place. मैं खिड़की दरवाजे सब कुछ लॉक कर देना। आपके घर के आसपास मैंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी तो लगाई थी। गुड इवनिंग मम्मा। सुबह से कहाँ हो तुम दोनों? मैं अकेले घर में बैठकर घर की पहरेदारी कर रही हूँ। क्यों, ताने आई नहीं अभी तक? आई नहीं? तेरे साथ नहीं गई थी क्या? नहीं, निकले तो हम लोग साथ में ही थे, लेकिन फिर मैं ऑफिस चला गया और वो आ गई। बड़ी जल्दी आ गई। तुम्हारी क्वींस काम धाम छोड़कर घर पर बैठ गई हैं, या फिर तुम इतनी वेली हो गई हो कि एवं उन्हें एंटरटेन करने के लिए उनके काम वाली जगह पर पहुंच जाती हो? मम्मी जी, घर पर कुछ काम नहीं था तो मैं सब्जी लेने चली गई थी, वहीं से फिर मैं माया से भी मिलने चली गई। घर पे काम होगा कैसे? घर पे बच्चे तो है नहीं जो तुम्हें बिजी रखे, और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, और फिर मैं तो हूं ही घर में घर की रखवाली करने के लिए, है ना? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मम्मी जी, मैं आपको एक बात तो बताने भूल गया। आपको पता मुझे मार्केट में कौन मिला था? दामिनी आंटी। वो ना बहुत दुखी थी, कह रही थी अरे सुमित्रा ने तो हमारे साथ वैष्णो देवी जाने से मना कर दिया। मम्मी जी, आपकी सारी फ्रेंड्स वैष्णो देवी जा रही है तो आपने जाने से क्यों मना कर दिया? बस ऐसे ही, मेरा मूड नहीं है कहीं भी जाने का। अरे क्या बात कर रही है, मूड नहीं है? अरे आपकी सारी फ्रेंड्स जाएंगी, सोचिए कितना मजा आएगा, और तो और माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे, और इस वक्त तो वहां का मौसम ना एकदम जबरदस्त है। अरे वो तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, वरना आपकी फ्रेंड्स के साथ ना डायरेक्टली मैं ही निकल जाता वैष्णो देवी। मम्मी जी, अगर आपको अकेला फील हो रहा हो तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, वैसे भी बड़े दिन से माता रानी के दर्शन नहीं हुए। लो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब बताओ आप क्या सोच रहे हो? माता रानी का बुलावा है आपको, सबको ऐसा बुलावा थोड़ी ना आता है, मुझे तो लगता है आपको जाना चाहिए। तान्या, तुम रहने ही दो, तू भी अगर चली जाएगी ना तो देव घर में अकेला रह जाएगा, और फिर कोई तो होना चाहिए देव की देखभाल करने के लिए। जी मम्मी जी। और वैसे भी मैंने अपने लेडीज ग्रुप के साथ ना बहुत ट्रिप की है, मैं दामिनी को अभी कॉल करके उसे कंफर्म करती हूँ। मैम, कल कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ? आप इनोसेंट तो प्रूफ हो जाएंगे ना? यू नो व्हाट किंजल, स्वाति ने सब कुछ इतना ब्रिलियंटली प्लान किया है ना, मतलब शी हैज सेट अप एवरीथिंग सो नाइसली। मेरे सामने वो ऐसा शो कर रही थी कि वो सुइसाइड करने वाली है, लेकिन कमेटी के सामने ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है दैट मैंने उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। कैन यू बिलीव इट? आई रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग इन हर माइंड। आपसे इंटरेक्ट करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल है, वो ईमेल कर देंगे अपने रिपोर्ट्स। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये रहे रिपोर्ट्स। थैंक यू। ब्रिलियंट, इसकी कॉपीज आज ही एमडी सर को दे दो, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि सब कुछ अप्रूव होने के बाद साइन हो जाए। सॉरी, आज तो पॉसिबल नहीं है। पंकज, यू नो आई डोंट टेक अ नो। आज मेरा हाफ डे है, कल देखते हैं। चेक योर एटीट्यूड पंकज। ये आप कह रही हैं? और वैसे भी आज आप बॉस हो, हु नोज कल हो या नहीं।
एंड आई एम डैम श्योर हमारी कंपनी किसी गैर और यौन शोषण करने वाले लोगों को तो ऑफिस में नहीं रखेगी। पंकज पंकज जाने दो उसे किंचन। और बाहर जाने का टाइम मिलता है क्या तुम्हें घूमने फिरने का शॉपिंग की? माया मैं यहाँ पे मीटिंग में आया हूँ, अगर मुझे बाहर जाने का टाइम मिलता तो मैं तुम्हें और बच्चों को भी लेके साथ में आ जाता ना। हाँ ऑफ कोर्स मैं भी। और क्या हो रहा है बताओ ना। बस और सब बढ़िया सब ठीक। माया सब ठीक तो है ना? आई मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या एवरीथिंग इज फाइन। क्या होगा? बस वो धारा चाह रही थी कि तुम उसके लिए कुछ स्विस चॉकलेट्स ले आओ, और नील डिमांड कर रहा था कि आप उसके लिए वो हुडी वाले टी शर्ट्स लेकर आओ हम सबके लिए एक्चुअली, ताकि हम फिरोशा कोटला में बैठकर साथ में मैच देख सके। और माया हाँ? अब तुमने इस सब के लिए तो फोन किया नहीं होगा। सब ठीक है ना? कोई बात है तो बताओ। नहीं, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Everything is under control. Everything is fine. मैं सिर्फ तुम्हें मिस कर रही थी आज, पता नहीं क्यों, इसीलिए कॉल किया था। मुझे नहीं मालूम था कि सुपर वुमन किसी को मिस भी करती है। मुझे लगा था कि सुपर वुमन सारे काम खुद ही मैनेज कर लेती है। अभी सुपरवुमन से पहले मैं एक ह्यूमन हूँ। नेवर माइंड, आई मैनेज। बाय माया। बाय। क्या हुआ? तुम दोनों का डिनर खत्म हो गया हो तो सुजा के घर चले पजामा पार्टी के लिए। मेरा तो हो गया मम्मा। मेरा भी हो गया बुद्धू, उधर मुझे मारा क्यों? अरे अरे अच्छा, डिनर खत्म हो गया तो इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? चलो फटाफट अपने बैग्स पैक करो, मैं तुम लोगों को जाके ड्रॉप करके आती हूँ। पर मम्मा सुजय तो सामने ही रहता है, हम अकेले चले जाएंगे। क्यों? मम्मा ड्रॉप करके आए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पर मम्मा। पर कुछ नहीं, इतनी लेट को तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे। आई एम सॉरी, मम्मा ड्रॉप करके आएगी। ओके ओके मम्मा। चलो जाओ पैक योर बैग्स। ओके चल 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 आई संभाल के। पूरब को कॉल करके पूछो वो कब वापस आने वाला है, उसकी छुट्टी तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, पता करो और मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है ओके। मम्मा ये देखो, लग रहा हूं ना मैं पापा जैसा? बिल्कुल अपने पापा जैसा लग रहा है। मम्मा तो पापा को फोन करके बोलो ना कि मैंने पापा की शर्ट पहनी है। बेटा वो बिजी है ना, अभी कॉल नहीं कर सकते। तो मेरी फोटो खींच के सेंड करो, फिर पापा मुझे कॉल करेंगे। बेटा अभी नहीं, अभी मम्मा को बहुत काम है। प्लीज बेटा। अच्छा सुनो, अभी आप खाना खा लो, उसके बाद आराम से बैठकर मम्मी और अनिकेत पापा के साथ बात करें। ठीक है? तुम एक काम करो, तुम बैठो, मम्मा खाना लाते हैं आपके लिए। ठीक है? हेलो पापा। चल
आज रात को मिल ही लेते हैं, ठीक 12 बजे एट योर प्लेस। उसे पकड़ने के लिए आपको घर पे तो रहना ही पड़ेगा, तो आप अपने खिड़की दरवाजे सब कुछ लॉक कर देना। Is everything all right, Mrs. Biani? Yeah, अभी तक तो everything is okay, but पुष्कर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेली हूँ घर पर, बच्चे भी नहीं है, पड़ोसी के घर पर पजामा पार्टी है, वो सब वहीं आज नाइट स्पेंड करने वाले हैं, and I'm all alone. देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस लफंगी को एक बार गलती तो करने दो। अगर उसे पता लग गया कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार वो हमारे ट्रैप में तो आ जाए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ, but I have to confess, मुझे ना I'm very scared, yeah. Mrs. Biani, आप रिलैक्स करो, बस खिड़की दरवाजे ठीक से लॉक कर देना, कुछ नहीं होगा। हाँ, वो मैंने कर दिया। सुनो, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी। मैंने आपके घर के बाहर और आपके रोड के एंड पे सिक्योरिटी गार्ड्स लगवा दिए, जैसे ही कुछ मूवमेंट होती है वो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्विक। I trust you. Thank you. Now you try and sleep. और अगर वहां कोई मूवमेंट होती है तो मेरा फोन मेरे पास ही है, आप तुरंत मुझे फोन कर देना। Okay. Thank you. चिनू, हाय। अनिकेत कहाँ है? अंदर है, आओ। अरे आओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बुला दो उसको। ए, मेरा शेर। रेडी टू गो? यस यस। रेडी टू गो मतलब कहाँ? मेरे साथ जाने के लिए। हाँ, लेकिन कहाँ? पापा के साथ घूमी घूमी करने के लिए। यस, हाई फाइव। पापा, मैं अभी मेरा बैग लेके आता हूँ। ओके बेटू। लेकिन अचानक ये सब, तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। उसके दो जोड़ी कपड़े पैक कर दो, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। लेकिन चिनू, इस टाइम तुम उसे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं कहीं भी लेके जाऊँ, तुमको प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेकिन बस तो फिर नहीं होनी चाहिए, कल सुबह छोड़ जाऊंगा उसको, नो प्रॉब्लम। लेकिन अचानक से उसे कैसे समझ में आया कि तुम उसे घुमाने? तुम्हारे फोन से फोन आया था, मुझसे बात करना चाह रहा था, मेरे साथ घूमने जाना चाह रहा था। ज्यादा बातें मत करो ना प्लीज, बैग पैक कर दो उसका। आजा, रेडी? यस। अरे वाह यार। अरे लेकिन मैंने तो तेरा बैग पैक ही नहीं किया। मैंने कोई बैग पैक कर लिया, टू टी शर्ट,
वन पैंट। ओहो आजा कम। मैडम आप इसे जानते हैं? जी हाँ, ये हमारे दूध वाले भाई हैं। जी मैम। भैया 2 लीटर दे दीजिए। पता लीजिए, अभी ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सॉरी हाँ उसके लिए। समझती हूँ ना माया तुम अपने आप को। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम मुझे पकड़ लोगी। देखो तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें पकड़ूं। तुम अपनी बकवास बंद करते हो या नहीं? माया मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिल गया। क्या मिल गया तुम्हें? हाँ खुशी और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन। तुम्हारे मन में जो डर मेरे लिए कूट कूट के भरा हुआ है ना, उसे देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितनी डरी हुई नाम आया तुम मुझसे, है ना? ए, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं, समझे? सही कहा, तेरी जैसी आइटम ना डरने के लिए बनी भी नहीं है। तेरी जैसी करारी चटकदार चीज ना तो जिम्मी के पाँव में खेलने के लिए बनी है। ऐसे गंदे ख्याल ना अपने मन से निकाल दे और बार बार अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लेना बंद कर। नाम क्या मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें अपना बना के अब चैन लूंगा, समझी?
मेरी माया। मैं जानता हूँ वो नहीं है। फिर उसका फोन आया था पुष्कर। अच्छा, कब? अभी। और अब वो जान गया है कि हम उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है उसका एजेंडा कुछ और है। वो मेरे डर को एंजॉय कर रहा था, like he's a psycho or something। मिसेस बियानी, don't think too much about him। अच्छा मुझे बताओ, आपने उसकी कॉल रिकॉर्ड की? हाँ। और उसका फोन किस नंबर से आया था? इंटरनेशनल नंबर या प्राइवेट नंबर? इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, नंबर कभी नहीं आता, इट्स हमेशा लिखा हुआ आता है अननोन नंबर। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड क्लिप मुझे आप सेंड कर दो। ओके। एंड डोंट वरी, अपने अगले एक्शन के पहले वो पकड़ा जाएगा। एंड थैंक यू। उसके पकड़े जाने के बाद थैंक यू बोल। चलो वेलनेस सेंटर में मिलता हूँ। Bye. Bye.